ये वीडियो एक बाली ट्रैवल गाइड भी है और बजट रिपोर्ट भी है, विच विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट हाउ एक्सपेंसिव इज बाली। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्लाइट्स, वीजा, खाना पीना, घूमना एंड टोटल खर्चे के बारे में। मार्च 2023 में कुछ महीने पहले मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक बाली का बजट ट्रिप एग्जीक्यूट किया था और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में कंपाइल करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप भी बाली का एक बजट ट्रिप एग्जीक्यूट कर सको। ये वीडियो सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स और ग्रुप ट्रैवलर्स सबके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीजा के साथ। इंडोनेशिया इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल भी देता है और ई वीजा ऑन अराइवल भी देता है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैंने पर्सनली चूज किया था ई वीजा ऑन अराइवल जिसकी कॉस्ट होती है $35, आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से अबाउट 2800 इंडियन रुपीज। और ई वीजा ऑन अराइवल की मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक यहाँ पॉप हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तो उसमें क्या होता है, आप बेसिक अपना पासपोर्ट अपलोड करो, बेसिक डिटेल्स बनाओ, अकाउंट बनाओ और आपका ई वीजा ऑन अराइवल आ जाएगा इंस्टेंटली और बस आपको जाना है डायरेक्टली इमिग्रेशन काउंटर्स पे एंड यू आर डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइट्स। आज की डेट में इंडिया से बाली कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस बचेंगे वाया थाईलैंड और सिंगापुर और मलेशिया। अब थाईलैंड से जाओगे तो थाई एयर एशिया चलेगी, मलेशिया से जाओगे तो एयर एशिया और सिंगापुर से जाओगे तो स्कूट या फिर सिंगापुर एयरलाइंस। और अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की तो ऑन एन एवरेज अगर आप एक दो महीने पहले टिकट्स बुक कराओगे तो साउथ इंडियन सिटीज जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सबसे आपको राउंड ट्रिप टिकट्स पड़ जाएंगे अराउंड 30K की लो कॉस्ट कैरियर में, जिसमें आपके पास चेक इन लगेज नहीं होगा, तो सिर्फ हैंड कैरी का मैं बता रहा हूँ आपको प्राइस। अगर चेक इन लगेज चाहिए तो 10,000 और एक्स्ट्रा ऐड कर लो राउंड ट्रिप फ्लाइट्स में। और अगर आप नॉर्थ इंडियन सिटीज लाइक दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो या मुंबई से कर रहे हो तो आपको 40 के आसपास राउंड ट्रिप टिकट्स पड़ेगी। अब बात करते हैं आइटिनरी की। बाली एक छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया का और उसमें जो मेन एयरपोर्ट है वो है डेनपसार एयरपोर्ट। अब इस छोटे से आइलैंड में घूमने के बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है। आपने जैसे ये एरिया सुने होंगे उलुवाटू एरिया, चेंगू एरिया, सेमिनयाक, कूटा, उबुद, ये सब एरियाज हैं। तो हमने क्या किया था, हमने 2-2 नाइट स्प्लिट कर ली थी तीन एरियाज में, सेमिनयाक, उबुद और चेंगू, इन तीन एरियाज में हमने स्प्लिट कर ली थी। और हमने प्लान किया था एक डे ट्रिप टू द आइलैंड ऑफ नूसा पेनिडा। तो वहाँ पे लोग यूजुअली डे ट्रिप्स प्रेफर करते हैं, बट आप लोग वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो अगर आपके पास डेज ज़्यादा हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल। और एक बहुत अच्छा आइलैंड है जिसकी आपने पता नहीं इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी बहुत सारी, जिसका नाम है गिली टी या फिर गिली ट्रवैन आइलैंड करके है। वहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं चलता, सिर्फ साइकिल्स और ऑन फुट करते हो और वो बहुत बड़ा पार्टी आइलैंड टाइप्स है। तो अगर आपके पास दिन ज़्यादा हैं तो आप गिली टी भी कर सकते हो इंक्लूड। गिली टी और नूसा पेनिडा दोनों आप स्पीड बोट से जा सकते हो या फेरी से। गिली टी थोड़ा ज़्यादा दूर है बाली आइलैंड से और नूसा पेनिडा पास है। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की। जस्ट लाइक अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया में भी ग्रैब बहुत पॉपुलर है और इंडोनेशिया में फ्यूल प्राइसेस कम होने के कारण जो ग्रैब कैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो वहाँ पे भी ग्रैब कैब भी चलती है और ग्रैब की बाइक टैक्सी भी चलती है। और अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे अपना स्कूटी भी रेंट कर सकते हो जो पड़ता है अबाउट 400-500 इंडियन रुपीस पर डे के हिसाब से। वहाँ पे पेट्रोल पर लीटर कॉस्ट करता है अबाउट 50 रुपीस, तो आपको बहुत सस्ता ही पड़ेगा। और ग्रैब कैब्स इवन इंडियन मेट्रो सिटीज से सस्ती है वहाँ पे। तो अगर आप एज अ ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो आप हर जगह ग्रैब कैब्स भी कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन हर तरीके की आपको मिलेगी बाली में, चाहे हॉस्टल हो, होटल्स हो, रिजॉर्ट्स हो या फिर एयरबीएनबी विलास हो। अब हम लोग 6 दोस्त ट्रैवल कर रहे थे तो इट मेड टोटल सेंस फॉर अस टू बुक एयरबीएनबी विलास, क्योंकि वो सस्ते भी पड़ते हैं एंड दे हैव देयर ओन प्राइवेट पूल एंड अदर एमिनिटीज। सो हम लोग ने 6 नाइट्स अलग अलग एरिया में हमने एयरबीएनबी विला किया था। तो अगर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट प्राइस बताऊँ विलास का, एक प्राइवेट पूल वाला विला 3 BHK या 4 BHK वाला जिसमें सारी किचन होगी, आपके पास पूल होगा, वो वाला विला अबाउट 15,000 रुपीज पर नाइट कॉस्ट करेगा। तो अगर आप 6 लोग रह रहे हो वो 3 BHK विला में तो 2,500 रुपीज पर पर्सन पर नाइट का कॉस्ट आएगा। आप लोग ये अकोमोडेशन मेरे व्लॉग्स में जाके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये तो मैंने आपको बताया विलास का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। अगर आपको हॉस्टल्स में रुकना है, आप एक सोलो ट्रैवलर हो, तो हॉस्टल्स आपको 500-800 रुपए पर नाइट के हिसाब से मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पार्टी हॉस्टल। और रही बात होटल्स की, होटल्स आई वुड से इट विल ओनली मेक सेंस अगर आप एक कपल ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं विला में एकोमोडेट करने के लिए
और आप हॉस्टल में भी नहीं रुकना चाहते, तो सिर्फ उसी केस में होटल्स वुड मेक सेंस, होटल्स या रिजॉर्ट्स, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड टू स्टे इन अ होटल ऑन योर बाली ट्रिप। अब बात करते हैं करेंसी की। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब भी आप ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ रहे होते हो, सो आपको कैरी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग करेंसी करनी चाहिए, जैसे यूरो या यूएस डॉलर, क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और आपको उसमें हमेशा अच्छा कन्वर्जन रेट मिलेगा। मेरे को कई लोग कमेंट करके पूछते हैं अगर हम इंडियन रुपी ले जाएं वहां जाके एक्सचेंज करा लें। पहली बात तो आपको इंडियन रुपी एक्सेप्ट करने वाले कन्वर्जन शॉप्स बहुत कम मिलेंगे, पर सपोज कर लो मिल भी गए, आपको इतना पुअर कन्वर्जन रेट देंगे कि आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा। आपका उससे ज्यादा लॉस होगा कि आप यहाँ पे इंडियन रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराओ, डॉलर को वहां की करेंसी में करवाओ, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली इंडियन रुपी को उनकी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कराते हो। एंड बाली में हर जगह कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, अगर आपके आपके पास डायरेक्टली आप कैश नहीं ले जा रहे तो आपके एटीएम कार्ड्स भी वहां एटीएम मशीन से लोकल करेंसी विदड्रॉ करने में हेल्प कर सकते हैं। करेंसी कन्वर्जन शॉप्स ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे टूरिस्टिक एरियाज में स्ट्रीट्स पे भर भर के करेंसी कन्वर्जन शॉप्स हैं, किसी में भी घुस जाओ बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइसेस चलते हैं, आपको अच्छा कन्वर्जन रेट मिल ही जाए। अब बात करते हैं सिम कार्ड्स की। सिम कार्ड्स हमने एयरपोर्ट से ही ले लिया था, वहां पे दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ई सिम भी और फिजिकल सिम कार्ड भी, सिंस आईफोन्स में कई मॉडल्स में सिर्फ ई सिम डलता है, तो वहां पे आपके ऑप्शंस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ कुछ प्रोवाइडर्स हैं जो सिर्फ ई सिम देते हैं, वरना फिजिकल सिम तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और 8-10 दिन का पैक अनलिमिटेड डेटा वाला आपको अबाउट 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है अगर आप सिटी सेंटर से जाके सिम कार्ड लोगे, बट हम लोगों ने एयरपोर्ट से ही ले लिया था। अब बात करते हैं फूड की। बाली में मैं कहूँ आपको एज सच उनका कोई लोकल क्विजीन इतना देखने को नहीं मिलेगा, जो टिपिकल एशियन क्विजीन होता है जैसे थाई क्विजीन हो गया वो सब तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, वरना मैं अगर कहूँ कि बाली बहुत ज़्यादा ना एक्सपैट से भरा रहता है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो आपको ना वहाँ फैंसी कैफेज, लाउंजेस, क्लब्स ये सब मिलेंगे, तो उसमें फूड भी ना आपका कॉन्टिनेंटल आ जाता है, आपको हर तरीके का क्विजीन मिल जाएगा, मेडिटेरेनियन, कॉन्टिनेंटल, तो आपको फूड की ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। एंड बाली में बहुत ज़्यादा फेमस है वीगन कैफेज, तो अगर आप वेजिटेरियन भी हो या वीगन भी हो, आप किसी भी कैफे में घुस जाओ यू विल डेफिनेटली गेट सम वेजिटेरियन ऑप्शन। मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि लिकर बाली में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि बाली में जाके आप लोग अपना लिकर बाय करना चाह रहे हो, तो आई वुड से कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, आप जिस भी एयरपोर्ट से आ रहे हो वहाँ के ड्यूटी फ्री से खरीद के आओ, और बाली में आप 1 लीटर पर पर्सन तक ला सकते हो, तो उसका भी ध्यान रखना। अब एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। देखो एक्टिविटीज़ बाली में करने की बहुत सारी हैं, हमने जो की थी मेन वो तो एक तो हम लोग जो बहुत फेमस सवाया क्लब है वहाँ गए थे, एक फिंस बीच क्लब है वहाँ गए थे, उसके बाद उलुवाटू टेम्पल गए थे, उसके बाद अगर मैं उबुद की बात करूँ तो उबुद में मेरे फ्रेंड्स ने एटीवी राइड करी थी, हमने माउंट बटूर का ट्रैक भी किया था, वहाँ पे क्रेटिया डे क्लब है वहाँ पे भी गए थे। बात करूँ मैं चांगू की, चांगू में बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं फॉर एंड इट हैज़ अ वेरी गुड नाइट लाइफ। तो बाली में करने की एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, तो अब मैं उसका एक्सपेंस का आपको आइडिया नहीं दे सकता, इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, तो वो आप कुछ रिसर्च करके आपको पता लग जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपका जो बेयर मिनिमम एक्सपेंस है बाली जाने में वो होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो है भाई वीज़ा, 2800 रुपीज़, वो तो होगा ही होगा। सेकेंडली आप आ जाओ आपकी फ़्लाइट्स, अगर मैं कहूँ कि आप साउथ इंडियन सिटी से जा रहे हो तो 30K की फ्लाइट का खर्चा तो वो भी होगा ही होगा। एकोमोडेशन अगर आप विला में रहोगे तो 6 nights का यू कैन एक्सपेक्ट टू पे अराउंड 15,000 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप हॉस्टल में रहने वाले तो यू कैन एक्सपेक्ट टू पे अराउंड 6,000 रुपीज़ पर पर्सन। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते। तो ये थी पूरी वीडियो अबाउट द बाली ट्रैवल गाइड। आई होप आप लोग को काफ़ी कुछ समझ आ गया हो, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं पुट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। बाली की 7-day आइटनरी की वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, बाली की नाइट लाइफ की भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।